भारत रूस से अच्छी श्रेणी का 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल सस्ते दर में खरीद सकता है। जानते चले कि भारत को रूस से प्रति बैरल $35 की दर से कच्चा तेल प्राप्त होगा, यानी यह 2500 रुपये प्रति बैरल की दर से कुछ ऊपर की दर से होगा। एक बैरल में 35 गैलन कच्चा तेल होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इससे 3 गुनी से ज़्यादा है। कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 या इससे अधिक है। रूस भारतीय मुद्रा रुपया के फेस वैल्यू के आधार पर रुपया रूबल के बीच में व्यापार के लिए तैयार है। भारत अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता है 50 लाख बैरल। इस तरह भारत कच्चे तेल की कीमत की पूर्ति रूस से कर सकता है। यह आयात की दो देशों के बीच व्यापार की एक प्रणाली के अनुसार होगा, जो SPFF प्रणाली कहलाती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी, ब्रिटेन आदि ने जो प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल मंडी में उछाल है। परंतु इस स्थिति में रूस अपनी पुरानी मित्र भारत को सस्ते दर पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका रूस का कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन प्रतिबंधों पर ध्यान न देकर यूरोपियन यूनियन के देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। आज ये संकेत मिल रहा है कि भारत रूस से आसान शर्तों पर और सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदेगा। एक दिन पहले भारत में ब्रिटिश विदेश सचिव लीज ट्रस आई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लीज को यह कह दिया है कि रूस से तेल खरीदने वाले प्रथम 10 देशों में हम नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस से प्रेस सचिव जॉन की ने भारत रूस के बीच के तेल खरीद के इस संबंध पर टिप्पणी की है। भारत से कहा है कि उसे खुद देखना है कि वह कहां पर खड़ा होता है। परंतु इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के निर्णय के बारे में विशेष तीखी टिप्पणी नहीं की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP के माध्यम से भारत यह खरीदारी करेगा। जानते चले कि भारत कच्चे तेल की जरूरत का 85% आयात करता है। इनमें अब तक रूस से 1% आयात किया जाता है, भारत इराक से 23%, सऊदी अरबिया से 18% और यूनाइटेड अरब अमीरात से 11% तेल आयात करता है। भारत का कहना है कि वह अपनी जनता की जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बार्गेनिंग करके खरीदारी करेगा। यूक्रेन पर हमला के क्रम में रूस जिस तरह भारत को पूरी तरह से अपने साथ देखना चाहता है, वैसी भूमिका भारत में नहीं ली है। फिर भी रूस कूटनीतिक स्तर पर समझता है कि भारत अपने पश्चिमी सहयोगियों को पूरी तरह ठुकरा नहीं सकता। यूक्रेन पर रूसी हमले के आज के गतिरोध में भारत को मध्यस्थ जैसी भूमिका में स्वीकार करने की समझदारी दिखा रहा है। इस समाचार को खास तौर पर छात्र छात्राओं और राजनीतिक अर्थशास्त्र में दिलचस्पी लेने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके बीच शेयर करें और विमर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।